नमस्कार दोस्तों, अभी हम मुजफ्फरपुर के तुर्की ब्लॉक में चढ़वा गांव में हैं और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जो पर्चे की मोहताज नहीं है। आपने इनका वीडियो कई देखा होगा। आज मैं मुर्गी पालन से जुड़ी तमाम जानकारी आपके साथ लाएंगे, क्योंकि आज के दौर में जिस प्रकार से रोजगार के लिए लोग भटक रहे हैं और सभी लोग सोचते हैं कि हम एक उद्योग लगाएं और वो उद्योग जो है सफल हो मार्केट में, तो सबसे पहले सर से मैं पूरी चर्चा करूंगा, पूरी चर्चा होगा इस वीडियो में, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। और चलिए सर का स्वागत करते हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है सर। नमस्कार मित्रों, आप सभी दर्शकों का मेरा प्रणाम। मुझे बड़ी खुशी है कि आज आप जो है सो इतनी दूर मेरे फार्म पर आए, अपना समय निकाल कर, इसलिए मैं आपका भी जो है सर सबसे पहले अपना सर छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ संजीव कुमार, मैं एक रिटायर्ड इंजीनियर हूँ जी, और ये दर्शक बंधु मुझे इंजीनियर चाचा के नाम से भी जानते हैं। और आज करीब 3 साल से ऊपर होगा हमको इस लाइव फार्मिंग करते हैं। अच्छा सर, जब आपने इस बिजनेस को शुरुआत किया तो कितने लागत के साथ आपने शुरू किया? हमने इसको करीब करीब 25-1 मुर्गी से स्टार्ट किया था, और ये जो मेरा फार्म आप देख रहे हैं, ये मेरा निवास स्थान भी है, घर था, तो पीछे में मैंने जो है सर 25 मुर्गियों से इसकी शुरुआत की थी। आज धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते इसकी कैपेसिटी लगभग 5,000 मुर्गियों के रखने की है, और साल में बढ़ते घटते रहती है संख्या, लेकिन 5,000 तक स्पेन चला। अच्छा सर, जैसे 25 मुर्गी से आपने स्टार्ट किया और ये 5,000 अभी है, तो इस दरमियान जो जितनी कठिनाई आपको सामना करना पड़ रहा है, तो इसमें क्या लगता है जो आने वाले पीढ़ी हैं वो अगर इस बिजनेस को करना चाहें तो कितना सही है सर? देखिए, बिजनेस कोई भी हो जी, है ना, कठिनाई शब्द तो मैं इस्तेमाल करना नहीं चाहूँगा, हाँ चुनौतियाँ जरूर कह सकते हैं जी। चुनौतियाँ जो है तो आती हैं चीज़ों को मैनेज करने में। जब आप कोई भी चीज़ नया काम शुरू करते हैं तो आपको थोड़ा जानकारी का अभाव रहता है, चीज़ों के बारे में आप बहुत नहीं जानते होते हैं, तो आपको चुनौतियाँ आती हैं, और उसको जो है तो चुनौतियों को अगर आप हिम्मत और साहस के साथ उनको फेस करते हैं तो धीरे धीरे एक बार एक ऐसा स्टेज आ जाता है जो आपका प्रोजेक्ट एक स्थिर पोजीशन पर पहुंच जाता है, और वहां से सिर्फ चीज़ों को बढ़ाने का और मैनेज करने का काम रह जाता है। चुनौतियां अपने आप सब्सिडाइज कर जाती हैं, क्योंकि आप जान जाते हैं कि किस चीज़ को किस ढंग से करना है, बेहतर तरीका उसके करने का क्या है। कठिनाइयां जिनको आप कह रहे हैं वो वही कठिनाइयाँ हैं, आपको जानकारी का अभाव होता है कि किन चीज़ों को हम कैसे करें कि वो हमारी कठिनाई कम से कम खर्चे में, कम से कम समय में सुचारू ढंग से दूर। अच्छा सर, आप अभी कितने नस्ल पे काम कर रहे हैं? हम बेसिकली अभी 2 ब्रीड पर काम कर रहे हैं, एक देसी सोनाली और दूसरा कड़क, इसी 2 ब्रीड पर मैं काम कर रहा हूं। अच्छा, और हमारे पीछे आप देख सकते हैं हैचरी भी बनाया गया है, तो हैचरी काफी ही मतलब अच्छे ढंग से बनाया गया है। हैचरी सर कैसे? नहीं, हेचरी जैसे हमने जब फार्मिंग शुरू किया तो अंडों का प्रोडक्शन भी हुआ, तो मैंने अपना इंक्यूबेटर भी डेवलप किया और इंक्यूबेटर बनाया, क्योंकि मैं एक इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकॉम इंजीनियर था, तो हमको बहुत दिक्कत नहीं हुई अपना इंक्यूबेटर डिज़ाइन कर। और उसमें भी मैं अपने लोगों को बताना चाहूँगा कि मैंने सबसे पहला इंक्यूबेटर जो है वो इसके थर्मोकोल के बॉक्स में जिसमें मछलियाँ आती हैं वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, उसमें करीब हमको 800 रुपये खर्च आए थे। वहाँ से आज इंक्यूबेटर को इम्प्रूव करते करते मेरे पास लगभग 2000 कैपेसिटी का ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर है, और वो जो है सो अच्छा काम कर रहा है, हिचिंग परसेंटेज भी उसमें बहुत बढ़िया आता है। और ये सारे इंक्यूबेटर मेरे अपने डिज़ाइन किए हुए बनाए हुए हैं, और इनकी कॉस्टिंग भी जो है बाजार में जो इस रेंज के इंक्यूबेटर उपलब्ध हैं कंपनियों के, उससे कम बस 20-25% के खर्च पर ही जो है मैंने अपने इंक्यूबेटर डिज़ाइन करके बनाया।
अच्छा, हम देख पा रहे हैं जैसे हैचरी जो बनाया गया है, हैचरी के बगल में एक मच्छरदानी चारों साइड से लगाया गया है, उसमें मक्खी नहीं उड़ रही है। थोड़ा सा मैं उसको रेक्टिफाई करना चाहूँगा। वो बेसिकली हैचरी नहीं है मेरा, वो फीड जो मैं अपना बनाता हूँ, अपना दाना जो अपनी मुर्गियों को देता हूँ, उसके लिए एक नया प्रोजेक्ट है ब्लैक सोल्जर फ्लाई का। ब्लैक सोल्जर फ्लाई के बारे में मैं दर्शकों को थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा। ये एक तरीके की मक्खी होती है जो अंडे देती है, और इन अंडों से लार्वाज निकलते हैं, लार्वाज मतलब छोटे छोटे पिल्लू निकलते हैं, और उनमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 58% के आसपास होती है। तो मुर्गियों के लिए जो है, मुर्गियों में वैसे भी प्रवृत्ति होती है कि ये घुन करके कीड़े मकोड़े खाती है, तो ये ब्लैक सोल्जर फ्लाई के लार्वाज जब हम इनको देते हैं तो ये बड़े शौक से खाती हैं, और उस स्किन को खाने के बाद उनका डेवलपमेंट या ग्रोथ बहुत बेहतर और बहुत फास्ट है नॉर्मल किसी भी फीड से। उसके लिए वो मैंने जो है तो डिवीज़न बनाया हुआ है, फ्लाई हमारी वो भाग न जाए इसलिए उसको मच्छरदानी में। कहीं ना कहीं ये चाचा जी कुछ अलग हैचरी में ही आपको कुछ बीमारी ना हो जाए, और कुछ जो समस्या आती है वो सारे समस्या भी इन्होंने अलग एक मोटिव अलग तरह से इस काम को किया है। तो चाचा जी, जैसे ये आपने मुर्गी जो पालन कर रहे हैं, इसमें अभी जो प्रजाति को लोग पहचान कैसे कर सकते हैं, जैसे ये जो इस मुर्गी का है प्रजाति, या ये BSF है, या फिर कोई भी प्रजाति? देखिए, प्रजातियों के लिए क्या है ना कि कोई भी प्रोडक्ट जो है तो हर तरह की चीज़ें बाजार में उपलब्ध है, कुछ एरिया वाइज भी स्पेसिफिक है, और कुछ लोग उस ढंग के ब्रीड को रखते भी हैं। जैसे देसी मुर्गी में ही अगर आप देखेंगे तो बहुत सी प्रजातियां हैं, अब किस एरिया में कौन सी प्रजाति बेहतर है, किसी में कुछ खासियत है, किसी में कुछ खासियत है, उस हिसाब से फार्मर उनकी फार्मिंग करते हैं, और हर प्रजाति का अपना अपना जो है एक पहचान होता है किसी भी लाइव आई, तो उस ढंग से पहचाना जा सकता है कि ये वो प्रजाति है। जैसे कि गाय में ही, गाय की कई तरह की प्रजाति है, देसी भी है, जर्सी भी है ना, तो इस तरीके से लोग देख करके उसको पहचानते हैं कि ये देसी गाय है, ये जर्सी गाय है, ये मुर्रा भैंस है, ये अपने यहाँ की। अच्छा चाचा जी, जैसे लोग सामान्य तौर पर बिहार में बात करें तो लोग सोनाली पे काम करते हैं, लेकिन आपने BSF और कड़कनाथ पे भी काम कर रहे हैं, तो उससे कुछ अलग देखने को मिल रहा है, इसमें कुछ अधिक प्रॉफिट है क्या? कड़कनाथ की बात जब आती है ना तो नो डाउट कड़कनाथ का मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अच्छा, बहुत से अब तो इसमें डॉक्टर्स लोग भी सजेस्ट करते हैं कि कड़कनाथ के ही अंडे को खाएं। थोड़ी सी एक नॉर्मल जानकारी है, हम लोगों का खून लाल होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से लाल। कड़कनाथ में हीमोग्लोबिन की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि उसका लाल से ब्लैक हो गया, आप समझ सकते हैं उसका कलर, उसका मीट, उसका ब्लड सारा कुछ अगर ब्लैक है तो हीमोग्लोबिन बहुत बढ़ जाए। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल एकदम नहीं है, तो इसलिए जो भी हार्ट के पेशेंट हैं या बाकी लोग हैं उन लोगों के लिए काफ़ी सूटेबल है, और मेडिसिनल वैल्यू बहुत हाई है, उसको दवा के रूप में भी लोग जो है सो सेवन करते हैं, इसीलिए वो प्रीमियम क्वालिटी में आता है। तो आप लोगों को जानकारी होगी ही कि हमारे पूर्व क्रिकेट कप्तान MS धोनी भी जो है बड़ा फार्मिंग कर रहे हैं, तो रीज़न ही यही है कि उसका जो है तो मेडिसिनल वैल्यू बहुत हाई है, स्वाभाविक है, रेट भी हाई। अच्छा सर, जैसे कोई युवा आपसे जुड़ के इस उद्योग को स्टार्ट कर रहा है तो कम से कम कितने मुर्गी के साथ होगा? अब मुर्गी के लिए हमने तो बताया कि 25-30 से मैंने शुरू किया। अच्छा, धीरे धीरे फार्मिंग सीख गया तो उसको बढ़ा लिया, तो इसी तरीके से कोई भी आदमी मैं कहूँगा कि कम संख्या से शुरू करें, जिससे कि अगर किसी नासमझी की वजह से कोई लॉस भी होता है तो वो लॉस उनको बड़ा लॉस नहीं हो करके छोटा हो, चीज़ों को समझें। अगर कोई दिक्कत है तो हमसे पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उपलब्ध रहता हूँ,
व्हाट्सएप पर पूछें तो और बेहतर है, फुर्सत में देख के हम उनको जवाब देते हैं। तो सपोर्ट मेरा रहता है, कितने भी किसान नया स्टार्ट कर रहा है उनको, तो वैसी स्थिति में करता धीरे धीरे, उसके बाद जब जान जाए तो बढ़ा भी देती है। अच्छा सर, जैसे पर मुर्गी अगर खर्च बात, तो लगभग खर्च कितनी हो जाता है? अब पर मुर्गी पर आप अभी अगर कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो करीब करीब 50-60 रुपए एक मुर्गी पर आराम से मिल जाता है, 80 से 85 दिन, जैसे कि 35 रुपए के चिक्स होते हैं, 3-3.5 किलो की खा करके ही 1 किलो प्लस होती है, तो करीब 100 रुपए 105 रुपए का फीड खाती है, 140 रुपए में ये किलो प्लस हो जाती है, और किसी भी स्थिति में आपको 200 रुपए में जो है मिनिमम रेट में भी बेचेंगे तो 200-210 एक किलो में आपको बिकेगा, तो 50-60 रुपए 15 रुपए आराम से। अच्छा, जैसे जो सीजन इसमें आप मीट पर्पस से इसको कर रहे हैं विशेष रूप से, या फिर अंडा के लिए कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कौन सा बेस्ट हो सकता है? नहीं, जैसे अब तो मेरे पास 3 साल का अनुभव है, नए किसान तो जिस ढंग से चाहे उस ढंग से चीज़ों को कर सकते हैं, अंडे के ख्याल से भी कर सकते हैं, मीट के ख्याल से भी कर सकते हैं। हमने कुछ इस टाइप का डेवलप किया है कि सीजन वाइज जो है चीज़ों को उनकी उपलब्धता बढ़ जाए, जैसे जाड़े में अंडों का खाने वाले अंडों की बिक्री ज़्यादा होती है, तो खाने वाले अंडे हमको जाड़े में ज़्यादा मिले मैं उस दृष्टि से करता हूँ। जाड़े में मीट का भी सेल काफ़ी बढ़ जाता है, तो उस वजह से मीट की उपलब्धता भी ज़्यादा हो उस ख्याल से करते हैं, और गर्मी में छोटे बच्चों को पालने के लिए अच्छा मौसम होता है तो चिक्स के लिए जो अंडों की आवश्यकता हो उस पर करते हैं। और जैसे ये होली है तो होली में स्वाभाविक है मीट का कंजम्पशन ज़्यादा होगा, तो उस ढंग से चीज़ों को अरेंज करते हैं। अच्छा सर ने अपना बहुमूल्य समय दिया और आपने जान सका, क्योंकि अक्सर क्या करते हैं लोग किसी के बहकावे में आकर या किसी के कहने पे आकर वो काम तो कर लेते हैं लेकिन प्रशिक्षण के अभाव में वो सही से कर नहीं पाते हैं, काम को सही से नहीं कर पाते। सर, इसमें प्रशिक्षण लेना जरूरी है क्या? प्रशिक्षण लेना चाहिए लोगों को? देखिए, मेरा एक चीज़ अपना मानना है कि आप थ्योरी किताबों से या किसी भी शिक्षक से जितना भी सीखना हो सीख लो, लेकिन जब तक अपनी प्रयोगशाला में आप अपना प्रयोग नहीं करें और आप उन समस्याओं से रूबरू नहीं होंगे और उनको सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सीख सकते। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कम से शुरू करें, सीखें चीज़ों को, जो दिक्कत आ रही है उस पर बातचीत करें, कहीं भी आप उपलब्ध है, समस्या का समाधान ऐसा नहीं है कि नहीं उपलब्ध, मेरे पास भी फार्मर फोन करते हैं, मैं उनकी मदद करता हूँ, और भी बहुत सारी जगह सरकारें भी मदद कर रही हैं, जगह जगह ट्रेनिंग है सारा कुछ का, तो वहाँ से ले लें और कम संख्या से शुरू करें। कम संख्या से एक दो बैच जहाँ करेंगे ना, तो किसानों को ये अनुभव हो जाएगा कि किस तरीके की चीज़ें हैं और किस ढंग से करना चाहिए। एक बार जब आप सीख लेते हैं तो आप खुद ब खुद जो है ट्रेंड मास्टर हो जाए। और फिर मुलाकात करेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय।